है जो लोग दुकान खरीदते हैं, शॉप खरीदते हैं और कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, जिनके कारण उनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा, उनका लगाया हुआ पैसा डिप्रिशिएट हो जाता है। फ्रेंड्स, कभी भी आप दुकान खरीदें, जैसे मेरे एक इन्वेस्टर ने दुकान खरीदा है, उनको जो नुकसान हुआ है, उनको जो हानि हुआ है, उसके लिए मैं अपने कस्टमर्स को और व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दूसरे को ना हो, इसके लिए ये मैं चीज़ें आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसमें यह है कि कभी भी आप दुकान खरीदें तो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो या छोटा इन्वेस्टमेंट हो, वो एक साइड रख के दुकान आप बड़ी साइज़ में खरीदें या छोटी साइज़ में खरीदें, वो भी एक दूसरी बात है। लेकिन तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये हो कि वो ऐसे लोकेशन में हो जहाँ पब्लिक का फुटफॉल बहुत बढ़िया हो, या फिर आने वाले फ्यूचर में चार रास्ता, तीन रास्ता, या ऐसा फुटफॉल, ऐसा मार्केट हो जहाँ पे अच्छा फुटफॉल हो पब्लिक का, और वहाँ पे तो पैसा बढ़ता ही है। उससे भी इम्पोर्टेंट सबसे एक चीज़ और है दोस्तों, कि दुकान, शॉप आप कभी भी खरीदें तो ऐसे जगह पे खरीदें जब पब्लिक वहाँ से, जो आने वाले जाने वाली पब्लिक हो, उसके आई लेवल पे हो, यानी वो जो आँख का स्तर है, जब पब्लिक वॉक करके जाती है, और कोई कोई बिल्डिंग को आप देखें तो पाँच छः सीढ़ी, चार से पाँच सीढ़ी बनाने के बाद वो शॉप बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि दुकानें वैसे बिल्डिंग्स में हमेशा फ्लॉप हो जाती हैं जो वहाँ पे दुकानें बहुत हाइट पे बनी हो। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि दुकान जब रोड के लेवल से थोड़ा बहुत एक फुट या डेढ़ फुट ऊपर हो, जैसे पानी वानी अगर कभी बारिश हो थोड़ा बहुत तो भर जाए, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो, इतना अगर हाइट पे हो तो दुकान फुल सक्सेसफुली चलता है और उसका एप्रिसिएशन भी आता है, अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आता है, रिटर्न ऑफ रेंटल वैल्यू भी आता है अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ऐसे बहुत हाइट पे जो दुकानें होती है वहाँ पे अगर आप परचेस कर लेते हैं, जो दुकान आई लेवल पे नहीं आती है, तो ऐसे बिल्डिंग में हमेशा शॉपिंग यानी दुकान फेल हो जाती है दोस्तों। ऐसा मेरा कई जगह पे ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। फ्रेंड्स, ऐसे प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज जानने के लिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए, ये जो भी चीज़ें प्रैक्टिकल हमने सीखा है 10 से 15 सालों में, ये सब चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, और भी हमारे जो प्रॉपर्टी के वीडियोस रहते हैं, रिव्यूज रहते हैं, हमारे चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका फ़ायदा भी ले पाएंगे। हमारे पास बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी हमेशा सस्ते और बहुत प्राइस, रीजनेबल प्राइस में आते हैं। और हमारे इस वीडियो को वायरल करें, शेयर भी करें, जो भी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए सोच रहे हैं, इन फ्यूचर कभी भी वो प्रॉपर्टी परचेस करेंगे तो उनको ये नॉलेज काम आने वाला है दोस्तों। फिर फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, सबको ये वीडियो वायरल करें और शेयर करें। वीडियो में टाइम देने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों।